झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक मामले में FIR दर्ज की है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने एयरपोर्ट के ATC में जबरन प्रवेश किया और क्लियरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस मामले को लेकर राज्य का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। मामला 31 अगस्त का बताया जा रहा है। गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे अपने 2 बेटों कनिष्क कांत दुबे और माहिकांत, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी समेत 9 लोगों के साथ देवघर आए थे। आरोप है कि शाम में वापसी के दौरान उन्होंने जबरन क्लियरेंस लिया, जबकि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है। शिकायत के अनुसार इन लोगों ने ATC में जबरन प्रवेश किया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर क्लियरेंस भी लिया। इसके बाद सांसद अपने साथियों के साथ चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट गए। दरअसल यह घटना उस दिन की है जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दुमका में अंकिता के परिवार से मिलने गया था। देवघर एयरपोर्ट के सुरक्षा में सेंधमारी की शिकायत एयरपोर्ट पर तैनात DSP सुमन आनंद ने किया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए DSP ने अपनी शिकायत में लिखा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित 9 लोगों के द्वारा जबरदस्ती ATC बिल्डिंग में प्रवेश कर क्लियरेंस लेकर वान भरी गई थी। मामले को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और DC मंजुनाथ भजंत्री के बीच ट्विटर पर घमासान जारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।